भारत दुनिया की सबसे तीव्रता से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, वो भव्य विशाल प्रतिभास जिसकी प्रगति गाथा संपूर्ण विश्व में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जा रही है। लेकिन इस उन्नत बढ़ोतरी के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है उसे बल देने वाली ऊर्जा की मांग। 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है, अमृत पर्व पर 27 में से कम में 10% इंपोर्ट कम करेंगे। वर्तमान में भारत अपनी फॉसिल फ्यूल जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्पष्ट आह्वान दिया है, जिस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें भारत सरकार की बायोफ्यूल पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। पिछले कई वर्षों में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायोफ्यूल्स के प्रति अपने दृष्टिकोण के साथ बहुत सक्रिय रहा है। कच्चे तेल और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने के लिए और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि योजनाबद्ध तरीके से प्रासंगिक कदम उठाए जाएं। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बायोफ्यूल्स और नवीकरणीय ऊर्जा का अभिग्रहण, ऊर्जा दक्षता मानदंड और रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार जैसे कदमों से भारत की तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा रही है। बायोफ्यूल्स का उपयोग परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल और पेट्रोल में मिश्रण करके किया जाता है। अक्षय संसाधनों जैसे प्लास्टिक, म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट, वानिकी अपशेष, कृषि अपशिष्ट, अधिशेष खाद्यान्न आदि से उत्पन्न होने वाले ये बायोफ्यूल्स देश के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ और कई फायदे लेकर आते हैं। बायोफ्यूल्स भारत के लिए खास रणनीतिक महत्व रखते हैं, इसीलिए वर्ष 2015 से जब देश में पहली बार बायोडीजल सम्मिश्रण किया गया, भारत वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की महत्वता समझते हुए इसे हर साल मनाता आ रहा है। भारत सरकार द्वारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंतर्गत 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण और डीजल में बायोडीजल का 5% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। किफायती ईंधन की उपलब्धता के विस्तार के लिए कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का बेहतर उपयोग, साथ ही किसानों को आय के अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस पर आधारित सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत योजना को अक्टूबर 2018 में देश में लॉन्च किया गया। योजना के अनुसार 2023 तक देश भर में 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। सतत योजना के अंतर्गत इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, गेल और IGL जैसी तेल और गैस कंपनियों ने उद्यमियों से CBG की खरीद के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI भी लॉन्च किया है। तेल विपणन कंपनियों OMCs के माध्यम से सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम को लागू कर रही है, जिसके तहत OMC इथेनॉल की उपलब्धता के अनुसार 10% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करती है। ये कंपनियां पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल की खरीद करती है। इसी आवश्यकता के चलते OMCs द्वारा 3 अगस्त 2020 तक 113.09 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोक्योर किया गया है। भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनियां कृषि अपशिष्ट को खपत के लिए जैव इथेनॉल में बदलने के लिए देश भर में 12 सेकेंड जेनरेशन इथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रही हैं। वर्तमान में भारत लगभग 23 MMT खाद्य तेल की खपत कर रहा है और यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत प्रतिवर्ष 3 MMT यूज्ड कुकिंग ऑयल UCO का उत्पादन कर रहा है, जिस आंकड़े पर यह आधारित किया जा सकता है कि भारत में लगभग 222 करोड़ लीटर UCO की वसूली की संभावना है। यूज्ड कुकिंग ऑयल की पहचान बायोडीजल उत्पादन के लिए संभावित फीड स्टॉक के रूप में की गई है और बायोडीजल उत्पादन के लिए इसकी आपूर्ति बढ़ाने हेतु इसके उपयुक्त संग्रह तंत्र के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए
OMCs द्वारा पूरे देश में करीब 200 स्थानों में UCO से बायोडीजल प्लांट की स्थापना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए गए हैं। भारत के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बायोफ्यूल्स का घरेलू उत्पादन एक बहुमूल्य कदम है। बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलने के साथ आयात निर्भरता कम होगी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के कारण पर्यावरण स्वच्छ होगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन बेहतर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों की आय में उन्नति होगी और भारतवासी प्रदूषण से होने वाली कई बीमारियों से मुक्त होंगे। चलिए आज इस बायोफ्यूल दिवस पर ये प्रण लें कि भारत में बायोफ्यूल का उत्पाद और इस्तेमाल बढ़ाया जाए और भारत को एक कदम आगे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएं। सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।